हेलो फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक लेटेस्ट है, जो कल के बॉम्बे के न्यूज एडिशन में आया था, इसलिए कि वो रीडेवलपमेंट के बारे में ऑनर के फेवर में बॉम्बे कोर्ट ने फैसला लिया और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, जिसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास आए तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मकान मालिक के फेवर में दिया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रीडेवलपमेंट की सीरीज का 12 एपिसोड मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन से लेके रीडेवलपमेंट कैसे करना है वो पूरे 12 एपिसोड अंदर है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये था कि जो मकान मालिक है उसने मकान रेंट पे दिया था, मीन्स भाड़ुआत रहता था। भाड़ुआत ने मकान रिपेयरिंग करवाने के लिए उसने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उसकी परमिशन भी लिया था और एनओसी भी लिया था। दैट मीन्स कि जो बिल्डिंग में जो रहता है या तो मकान में जो रहता है, जो भाड़ुआत है, उसके पास वो बिल्डिंग को रिपेयरिंग करवा सकता है, कलर काम करवा सकता है। लेकिन ये बिल्डिंग का जब रीडेवलपमेंट आया तो रीडेवलपमेंट में जो रेंटेड जो भाड़ुआ था उसने बोला कि ये बिल्डिंग या तो ये मकान है वो रिपेयरिंग से चल सकता है, तो रीडेवलपमेंट में नहीं करना, ऐसे उसने दलील किया और वो रीडेवलपमेंट को रोक रहा था। अभी उसके पास नगर पालिका का एनओसी भी था और उसके पास परमिशन भी था रिपेयरिंग करवाने का, लेकिन मकान मालिक ने कोर्ट में अर्जी किया कि मेरा जो भाड़ुआत है वो मुझे रीडेवलपमेंट करने के लिए रोक रहा है क्योंकि उसके पास रिपेयरिंग का एनओसी भी है और रिपेयरिंग की परमिशन भी है। लेकिन यहाँ पे यह फैसला कोर्ट ने देखा कि बिल्डिंग को यस रिपेयरिंग करके रखा सकता है, लेकिन अगर होल रीडेवलपमेंट की बात आती है तो भाड़ुआत का वो वहां पे नहीं चलता है, मकान मालिक का राइट्स है। और अगर मकान मालिक करना चाहता है रीडेवलपमेंट तो वो करवा सकता है, उसमें भाड़ुआत का हस्तक्षेप नहीं रहता है। इसलिए बॉम्बे कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भाड़ुआत जो है उसके पास रिपेयरिंग या तो कलर काम का राइट्स है, लेकिन वो रीडेवलपमेंट को रोक नहीं सकता। अगर वो बीच में आता है तो उसको खाली करवा के मकान मालिक का हक बनता है कि वो रीडेवलपमेंट के पूरा प्रोसेस चालू करे और उसको खाली करवा। अगर वो नहीं मानता है तो आप महानगर पालिका, और महानगर पालिका ने भी बाद में कोर्ट के फैसले के बाद जो उसको एनओसी दिया था वो भी रद्द किया और जो परमिशन दिया था वो भी कैंसिल किया और कोर्ट के फेवर में उन्होंने दिया। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई बिल्डिंग अगर ऐसा है कि जहाँ पे आप खुद नहीं रहते हैं लेकिन वहां पे भाड़ुआत रहता है और वो हस्तक्षेप कर रहा है रीडेवलपमेंट के लिए, चाहे कोई भी रीजन है, तो रीजन ये था, लेकिन कोई भी रीजन की वजह से हस्तक्षेप करता है तो उसके पास कोई राइट्स नहीं है कि वो रीडेवलपमेंट को रोका जाए। दोस्तों, ये आपको एपिसोड कैसा लगा? और अगर आपको वेरीफाई करना है तो कल के बॉम्बे के एडिशन में ये वर्ली वाला केस है, वर्ली बॉम्बे, आप रिफर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही रीडेवलपमेंट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।